Hi guys, sometimes life boils down to the last 150 minutes of your lifetime. अगले ढाई घंटे is going to be the turning point of your life. So make it hard, make it useful. ये ढाई घंटे 150 minutes, I don't want you to think about anything else. उस समय पूरा paper solve करो. No distraction, 100% focus should be on those. उस समय मुझे नहीं चाहिए कि score अच्छा आएगा, decent होगा, paper ये जा रहा है, वो जा रहा है. बिल्कुल नहीं. उस समय योर फोकस शुड बी 100% दैट, बिकॉज हमारा करियर बन सकता है अगर हमने अच्छा कर लिया तो. और सिर्फ तुम्हारे करियर की बात नहीं, इट्स अबाउट द फैमिली एज वेल. आई लव इट व्हेन योर डैड विल से, यू विल लव इट व्हेन योर डैड विल से, व्हेन माय डैड सेड एज वेल कि मेरा बेटा मेरे से आधी उम्र में मेरे से डबल पैसा कमाता है. ठीक है, डू इट फॉर द पेरेंट्स, डू इट फॉर द फैमिली, डू इट फॉर योर हेटर्स. जिसने आज तक तुम पे डाउट किया है कि अरे ये क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, दिस एंड दैट, उनको चुप कराने का एक बहुत प्यारा मौका है अपने पास. उनको चुप कराएंगे हम. लाइफ में कभी 60% मार्क्स आया, 10th 12th ग्रेजुएशन एक बार दोबारा ले आ यार, 200 में से 120 पार कर दो, यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज. दैट ईजी इट इज, इट्स दैट ईजी. तो कल को पेपर ईजी आता है कि टफ आता है, सेक्शन वाइज आता है कि जम्बल्ड आता है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्लीप आ रही है, नींद आ रही है, भूल जाओ सब कुछ. वो डेढ़ घंटा प्ले योर बेस्ट हॉकी, ढाई घंटा प्ले द बेस्ट हॉकी. प्ले एज पर योर स्ट्रैटेजी, डोंट लेट योर स्ट्रैटेजी फॉल्टर. पेपर में कुछ गड़बड़ हो गया, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, दिस एंड दैट, उस समय शो इट द मिडिल फिंगर. ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अ डम्प पेपर. सीईटी पेपर इज एक्चुअली डम्प. ठीक है, करो या मरो. तो मरने से अच्छा करेंगे, लेट्स गो फॉर द बेस्ट. अपनी तरफ से हम अच्छा करके जाते हैं, आगे जो होगा किस्मत. ठीक है, किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता. कुछ लोगों की किस्मत में होगा कि शायद दोबारा देखें और अच्छा करें, कुछ की किस्मत में कुछ तो कोई लाइफ में हम अच्छा कर ही लेंगे. बट ये 150 मिनट प्लीज़ प्ले द बेस्ट हॉकी यू कैन. लेट्स गो फॉर द केयर, ऑल द बेस्ट. मुझे इतना पता है कि इफ़ यू डू द हार्ड वर्क, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर एबल टू फाइंड द ईजी क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस डम पेपर, you can survive. And trust me, I'll give you a secret to public speaking. Whenever you go to stage, imagine तुम्हारे सामने dumb लोग बैठे हैं. सब लोग तुम्हारे सामने dumb बैठे हैं. मैं तो C word use करने वाला था, but मैं कैमरे पे नहीं कर सकता. तो अगर ये imagine करके आते हो, सब अच्छा करते हो. Imagine this paper is the dumbest paper ever seen. Let's go for the kill. सिर्फ easy the question में ढूंढ लिए, life be solved. 100 पार हो सकता है आराम से, अगर सिर्फ इसमें पेपर में easy the question ढूंढ लिए. भारी भारी क्वेश्चन छोड़ दिए, I can save enough time to solve other question as well. So let's do the wonders. All the best.